नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और बहुत सारे हमारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सेंसर को मतलब कैसे चेक कर सकते हैं कि ओके है कि ओके नहीं है। तो बहुत सारे हम कंडीशन में तो हमने यही बताया है कि सेंसर को निकालिए, क्लीन करिए, साफ़ करिए, उसके बाद अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो चेंज कीजिए। बल्कि आज हम इसको बताने वाले हैं कि इसको कैसे आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि ये सेंसर आपका ओके है या ओके नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके चेकिंग के बारे में बात करेंगे, मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं, तो अच्छी बात है, आपको जानकारी मिल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी, सेंसर की, ठीक है। तो सेंसर में दो तरह के सेंसर आपको मिलने को देखने को मिल जाएंगे। एक तो सेंसर ये है, ये जो नॉर्मल सेंसर आपके प्रिंटर में मिलते हैं, सेंसर कई तरह के होते हैं पर हम जो सेंसर की बात कर रहे हैं ये प्रिंटर में जो मिलते हैं, ठीक है। तो इसको एक्चुअली क्या करना है, इसको चेक कैसे करना है, यह इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। उससे रिलेटेड देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एक सप्लाई आती है, इसमें सप्लाई आने के बाद एक्चुअली इसमें एलईडी लगा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी एक तरह का डायोड होता है। तो वो एक तरह से लाइट निकलता है एक तरफ, दूसरी तरफ उसका रिसीवर लगा होता है, रिसीवर बोले तो उधर इमीटर लगा होता है। तो इनको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में बता दें कि यह सेंसर ज़्यादातर डीएमपी प्रिंटर, कलर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में भी लगा होता है। बहुत सारे ऐसे प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें इसका यूज होता है, जैसे टीवीएस कंपनी का, एप्सन कंपनी में आप देखेंगे कि उसमें एक अलग तरह का आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसमें सिर्फ टचिंग सेंसर होता है, जैसे उसमें प्रेस करना होता है, जैसे ही प्रेस करता है वो काम करने देता है। पर ये क्या है कि इसके अंदर अगर सेंसर का जो आर्म होता है इसके अंदर आने से ये ब्रेक होता है या फिर काम करता है। तो वो जो अलग है, जो आपको डीएमपी प्रिंटर में भी दो तरह के सेंसर आपको मिल जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैकेनिकल, ठीक है। पर उसके बाद जो आपको कलर प्रिंटर हो गए या फिर लेजर प्रिंटर हो गए, उसमें आपको 95% यही सेंसर मिलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये सेंसर कैसे काम करता है, इसकी टेस्टिंग क्या होगी, आपको सारे चीज डिटेल में। तो इसमें सबसे आपको पहले बता दें कि यह सेंसर ज़्यादातर डीएमपी प्रिंटर, कलर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में लगा होता है। इनका काम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे होता है, ठीक है। लेकिन सेंसर का भी अलग अलग सेंस करने का तरीका होता है, अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये अलग अलग जगहों पे लगा होता है। जैसे टॉप कवर जो ऊपर का प्रिंटर का ऊपर का जो टॉप कवर होता है उस पर लगा होता है, फिर बैक कवर, जो आपका पीछे का बैक कवर अगर ओपन हो गया और आपने बंद नहीं किया प्रॉपर, तो उसको अगर आपको देखेंगे कि आपके डिस्प्ले पे एरर मैसेज आ जाता है या बैक कवर ओपन करके मैसेज आ जाता है, अगर टॉप कवर ओपन है तो टॉप कवर ओपन का मैसेज आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर उसका आर्म जो होता है, प्लास्टिक की जो आर्म होती है वो यहाँ पे आता नहीं है। जब तक जैसे ही ये सिग्नल ब्रेक होता है वो सेंस करता है कि हाँ डोर बंद हो गया है, अब काम करना चालू कर देता है। अगर आपको ऐसे चेक करना है तो क्या करिए कि इसमें अगर कोई भी आप पेपर ऊपर कुछ भी इसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं कि सेंसर ओके है कि नहीं। ऑन बोर्ड में आपको चेक करना है, जैसे प्रिंटर में लगा हुआ है सेंसर ओके है कि नहीं है, तो अगर टॉप कवर का है तो क्या करिए इसमें पेपर डाल के, और आप जैसे ऑन करेंगे वो समझ जाए कि पेपर टॉप कवर बंद है, पर एक्चुअली बंद नहीं होता है। तो एक्चुअली छोटा मोटा ये तरीका होता है इसको चेक करने का, ठीक है। उसके बाद आपको कार्टेज चिप सेंसर होता है, वहाँ पे भी ये लगा होता है जो कार्टेज को डिटेक्ट करता है, उसका भी यहाँ पे लगा होता है। पेपर सेंसर जो पेपर को सेंस करता है उसमें भी होता है, पेपर आउट सेंसर में भी लगा होता है। तो इसके कई तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक ड्राइंग बनाए हैं, उसको हम आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सेंसर थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे कि ये सेंसर का इंटरनली ड्राइंग है जो इसके अंदर ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो देखिए ये है सेंसर आर्म, ठीक है, ये सेंसर आर्म हो गया। इसके बीच में यहाँ पे एक एलईडी लगा होता है, इधर एक ट्रांजिस्टर टाइप पे लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये फोटो डायोड है, ठीक है, और ये फोटो ट्रांजिस्टर, इसमें जो यूज होते हैं वो फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड, ठीक है। तो एक साइड इधर डायोड लगा होता है, दूसरा साइड ट्रांजिस्टर लगा होता है, और यहाँ से फिर ये जो सिग्नल निकलती है यहाँ पे सप्लाई और आईसी के लिए, कंट्रोलर आईसी के लिए चला जाता है,
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से कि डायोड में सप्लाई जाती है, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई एक रजिस्टर के थ्रू, कई तरह के अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू, जो एक हमने सिंपल आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया, ऐसा नहीं है कि 5 वोल्ट जाता है तो 5 ही वोल्ट जाता है, किसी में 3 वोल्ट भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो ये अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग है। फिलहाल हम आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एक आपको बना दिए हैं कि ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो एक देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगाकर 5 वोल्ट की सप्लाई डायोड को दिया जाता है। अब रजिस्टर यहाँ पे लगाया गया है ताकि डायोड हमारा जो है खराब ना हो, ठीक है, एक्यूरेट सप्लाई मिलता रहे उसको। अब यहाँ पे डायोड है और फिर यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड का ऑप्शन है, इसका भी देखिए ग्राउंड और इसका, दोनों का ग्राउंड का क्या हुआ, यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। तो इसको आप ग्राउंड से जोड़ दिए हैं, इधर से सप्लाई दिए हैं इसको, फिर इसको सप्लाई दिए हैं, यहाँ से जो निकलता है ये आईसी को भी जाता है, इसको भी मिलता है सप्लाई, ठीक है। कंट्रोलर आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, ये फोटो डायोड है, ठीक है। अब यहाँ से जो रेज निकलती है ये फोटो डायोड है, ठीक है, यहाँ से ये एक रेज निकलता है आईआर, ठीक है, इंफ्रारेड, यहाँ से जो लाइट निकलता है ये डायरेक्ट इसको रिसीव होता है। जब रिसीव होता है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये सेंस करता है कि यह इसके बीच में जो आर्म है वो नहीं आया है, इसके मतलब कि अगर नहीं आया है तो जो भी पार्ट से खुला है या ओपन है जो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि सेंसर कहाँ पे लगा हुआ, अगर ये डिपेंड करता है कि बैक कवर में लगा है, टॉप कवर में लगा है या किसी पार्ट्स के आसपास लगा है जहाँ पे ये इसमें आपको आर्म आना अनिवार्य है, अगर यहाँ पे पार्ट्स ये आना अनिवार्य है, अगर पार्ट्स आना अनिवार्य है तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा उसके सप्लाई को, जो इंफ्रारेड यहाँ पे सप्लाई जा रही है उस लाइट को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, यानी बीच में रोक देगा। तो ये समझ जाता है इधर आईसी को ये सेंस कराता है कि जो ऊपर डोर है या कुछ भी है वो बंद हो चुका है। अगर ये आर्म, जैसे बोलते हैं ना कि चेक सेंसर आर्म एंड क्लीन द सेंसर अदरवाइज रिप्लेस इट, हम लोग क्या करते हैं सेंसर में यही एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि सेंसर को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, सेंसर के आर्म को चेक करेंगे, नहीं तो एक्सचेंज करेंगे। तो यही जो आर्म होता है इसको चेक करना होता है। अगर सेंसर आर्म, इसका जो आर्म है यानी प्लास्टिक है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ रहा है जा रहा है मतलब, तो इसके उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पूरे सेंसर का आपको प्रॉब्लम आ जाता है। उस कंडीशन में आपको ये डायोड चेक करना होता है कि ये डायोड आपका पूरा ओके है कि नहीं है। अगर आपका डायोड ओके है तो 100% यहाँ से लाइट निकलेगा और यहाँ पे ये रिसीवर है। अब यहाँ पे रिसीव हो गया, उसके बाद डिपेंड करता है कि आगे का जो ये आईसी है वो प्रॉपर ओके है कि नहीं है, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है ये रजिस्टर ओके है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके चेक करना होता है प्रॉपर। हम नॉर्मल कंडीशन में इसके ये यहाँ पे यही है, हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें एक्चुअली ये जो देखेंगे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। अगर आप क्लियर देखिए यहाँ पे देखेंगे कि एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ पे पहले ही लग गया है। इसके बाद यहाँ से जो आउट होगा, ये तो आउट और इन, इसमें देखिए डबल सेंसर है इसलिए इसमें 4 वायर हैं, ठीक है, 4 वायर हैं पर इसमें एक ग्राउंड है, ठीक है, बाकी इसका तीनों का मिला के सबका इसका है। जैसे एक इसका हो गया डायरेक्ट, आप देखेंगे कि ये जो ट्रैक बनी हुई है, शायद हम आपको ट्रैक के समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक ये जो सिंगल ट्रैक है ये डायरेक्ट आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, एक वायर ये हो गया, दूसरा जो ट्रैक जा रहा है आपको इसका है, ठीक है, दो ट्रैक हो गया, तो दोनों सेंसर का एक एक ट्रैक फुल फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे देखेंगे इसका है, तीसरा इसका ग्राउंड माने इन दोनों का, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का एक ग्राउंड है ना, तो एक का तो इस सेंसर का एक वायर, इस सेंसर का एक वायर, दो वायर इसका हो गया और इन दोनों का डायोड का पॉजिटिव वाला एक एक हो गया, यानी 4 टोटल यहाँ पे देखेंगे कि वायर है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो इसमें अब हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे अब इसको कैसे चेक करना है कि ये डायोड प्रॉपर ओके है, ओके नहीं है, ख़राब है कि नहीं, तो आपको डायोड की चेकिंग मालूम होगी। अगर आपने हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको हमने बताया होगा कि हाउ टू चेक डायोड, हमारे चैनल पर भी है कि डायोड कंपोनेंट को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो भी रजिस्टर वगैरह लगे होंगे सबको हम एक एक करके आपको चेक करा देंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 2, 3 और 5, इसमें टोटल 5 वायर हैं, आप देख रहे हैं 5 वायर हैं, तो 2 वायर यहाँ का है, यहाँ पे भी एक सेंसर कनेक्ट होता है, ठीक है, ये अलग पोर्ट लगा हुआ है, एक ये आपको है शायद चिप वाला सेंसर है, वहाँ पे एक यहाँ पे कनेक्टर लगता है, वो एक सेंसर है, वो सेंसर का पॉइंट यहाँ पे लगता है, फिर यहाँ से होकर ये लॉजिक कार्ड को सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम
आगे बात करते हैं कि इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। तो आप चेक यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी उपाय आपको होगा कि आप इसको यहाँ पे चेक कर लें। उसके अलावा हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहें, कोशिश करेंगे कि इस पे देखिए जो डायोड वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है, आपको शायद दिख रहा है, देखेंगे कि यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे भी डायोड का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आपका चिप है इसके प्रिंट भी यहाँ पे किया गया है डायोड का सिंबल, फिर यहाँ पे भी डायोड का सिंबल प्रिंट हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है 579, ठीक है। तो हम अब इसको चेक करते हैं कि ये डायोड हमारा ओके है कि ओके नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करेंगे। हमने पहले से ही बजर पॉइंट पे इसको सेट करके रखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसको ऐसे आपके सामने रख देते हैं, चलिए। और ये आपका डायोड हो गया जैसे यहाँ पे, तो एक हम रखेंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर इसका वैल्यू शो कर रहा है, इट मीन्स कि ये वन साइड से अगर वैल्यू शो कर रहा है तो आपका डायोड ओके है, अगर दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा है तो ख़राब है, ठीक है। तो वन साइड से वैल्यू शो करेगा, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं शो करना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है, आप देखें कि ये डायोड है, तो एक साइड माइनस होगा एक साइड प्लस। तो हम क्या करते हैं कि एक बार ऐसे ही लगा देते हैं, हम ऐसे लगा के चेक करते हैं। देखिए हमारे मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं आ रहा, अगर आपको दिख रहा है तो देखेंगे कि कोई वैल्यू नहीं आ रहा, तो वन साइड से वैल्यू नहीं आ रहा तो दूसरे साइड से वैल्यू आना चाहिए। तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं और देखें कि दूसरे साइड से वैल्यू इस पर आना चाहिए, देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर में वैल्यू आ गया। इट मीन्स कि इसको ये ओके है, आपका ये जो सेंसर है ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि डायोड है, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो इन दोनों वो एक साइड से, यानी हमने एक बार ऐसे चेक कर लिया, फिर एक बार इस दोनों को चेंज करके, तो वन साइड से वैल्यू आ रहा है तो ओके है, अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है तो शॉर्ट हो गया है, अगर कंटिन्यू बीप दे रहा है तो भी वो शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है, मतलब ख़राब ही हो गया। अगर दोनों साइड से बीप आ रहा है तब भी ख़राब है, और बीप नहीं आ रहा है वैल्यू दोनों साइड से आ रहा है तब भी ख़राब है। तो वन साइड से वैल्यू आ रहा है इट मीन्स ओके है, ठीक है। फिर दूसरा है, तो यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे अभी वैल्यू आ गया, इट मीन्स कि ये भी ओके है, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आपका रजिस्टर है, बजर पॉइंट पे है तो एक्चुअली शो कर देगा, 333 ओम का यह रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये रजिस्टर, इसको चेक कर रहा हूँ आपसे। गए दूसरा जो है ये, तो इसको भी सेम वैसे ही चेक करना है आपको, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर है, सिंगल है, इसलिए आपको शायद प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आपको एक डायोड लगा हुआ है, और दूसरे साइड एक साइड डायोड लगा होता है तो वन साइड वैल्यू दिखाएगा, दूसरे साइड जो है आपको ट्रांजिस्टर है। तो अगर तीन पिन होता तो आपने बेस कलेक्टर इमीटर ढूंढ लेते, अगर तीन पिन का होता तो बेस कलेक्टर इमीटर आप ढूंढ लेते, पर इसमें ऐसे कोई भी इसे आपको वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई वैल्यू दिखाता है या बीप का आवाज़ आता है तो ये ख़राब है। तो एक साइड से ये आपका इधर ओके है, मतलब कि यहाँ पे आप समझ लेंगे, हमने तो चेक करके दिखा दिया, आप थोड़ा समझ लेंगे कि इस साइड में कोई वैल्यू नहीं आएगा तो ओके है, अगर वैल्यू आता है बीप करता है तो आपका ख़राब हो सकता है, उसको डिटेल में चेक करेंगे। इस साइड एंड डायोड साइड में एक साइड से वैल्यू आ रहा है तो ओके है, दोनों साइड से अगर वैल्यू आ रहा है या बीप कर रहा है तो फॉल्टी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इसका जो कनेक्टर होता है पॉइंट होता है, यहाँ से भी अगर आपके पास बारीक वाला पतला वाला अगर आपके पास है तो उसको आप एक एक करके प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब ऐसे ही धीरे धीरे चिप लेवल का भी प्रिंटर का वीडियो आपको मिलेगा, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को घंटी के बटन को जरूर दबा दें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।